friends, welcome back to our YouTube channel. I hope you guys are staying safe at your home. आज हम करेंगे क्लास 11 बिजनेस स्टडीज चैप्टर 2 क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज का लेक्चर 1. इससे पहले के लेक्चर में हमने चैप्टर 1 को कवर किया है, प्लीज आप जाकर वो वीडियोस भी देख लीजिए अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं. तो आपको इन सब लेक्चर्स की, बिजनेस स्टडीज के सब लेक्चर्स की वीडियो प्लेलिस्ट में भी अवेलेबल हो जाएगी, आप वहां से जाकर भी उनको चेक कर सकते हैं. आज हम क्या पढ़ेंगे फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 का टॉपिक, व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस एक्टिविटीज, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, व्हाट डू यू मीन बाय इंडस्ट्री एंड कॉमर्स. ये हमारा आज का टॉपिक होगा. चलिए बिना देरी के हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं. पहला हमारा टॉपिक जो था वो क्या था, व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस एक्टिविटी. अब चैप्टर का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, लेकिन उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि बिजनेस एक्टिविटीज एक्चुअली में होती क्या है. All the activities which are undertaken in connection with the production of things and carrying them from the place of production to the place of consumption are called business activities. हर वो activity जो किस purpose से करी जाती है, to produce something, to produce goods and services, वो activities जो कहाँ से start होती है, production से start होती है और कब जाकर end होती है, consumption पर जाकर end होती है, उसके बीच में जो भी activities हम लोग carry करते हैं उन सबको हम क्या कहते हैं, business activities. अब प्रोडक्शन है, मैं सपोज करो मैं प्लास्टिक के बटन्स बनाती हूँ या स्विचेस बनाती हूँ, तो उसके लिए मेरे पास क्या होना चाहिए, पहले मेरे पास रॉ मटेरियल होना चाहिए, रॉ मटेरियल के बाद मेरे पास प्रॉपर मशीनरी होनी चाहिए, प्रॉपर मशीनरी के बाद मेरे पास प्रॉपर लेबर होनी चाहिए, प्रॉपर लेबर के बाद मेरे पास एक प्लेस होनी चाहिए जहां पे मैं अपने सेटअप मशीनरी को सेटअप कर सकूं, उसके बाद वहां से क्या होगा, जो रॉ मटेरियल मैं प्लास्टिक परचेज करूंगी उसको मेरे को फिनिश गुड में कन्वर्ट करना है, और फिनिश गुड में जब वो कन्वर्ट हो जाएगा उसका ये मतलब तो नहीं है कि मैं उसको अपने पास रखे रखूंगी तो वो मेरे को प्रॉफिट देगा, नहीं, लेकिन जब वो मुझे क्या करना है, जब वो फिनिश गुड में कन्वर्ट हो गया प्लास्टिक, उसको मेरे को क्या करना है, मार्केट प्लेस में सेंड करना है. मार्केट प्लेस में सेंड करना है किस लिए, ताकि जो कंज्यूमर है जिनको उसकी रिक्वायरमेंट है वो लोग उसको परचेज कर सके. तो कहाँ से स्टार्ट हुई, परचेजिंग ऑफ रॉ मटेरियल से जो एक्टिविटी स्टार्ट हुई, और कहाँ पे खत्म हुई, टू दी टिल इट इज कंज्यूम्ड विद बाय द कंज्यूमर, वो एक्टिविटीज. इसके बीच में इतनी सारी जो एक्टिविटीज हैं उन सबको हम क्या कहते हैं, बिजनेस एक्टिविटीज. बिजनेस एक्टिविटीज स्टार्ट विद द परचेज ऑफ रॉ मटेरियल एंड एंड्स विद द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फिनिश्ड गुड्स टू द प्लेस ऑफ कंजप्शन. अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि बिजनेस एक्टिविटीज कहाँ से स्टार्ट होती है, रॉ मटेरियल के परचेज से स्टार्ट होती है, और एंड कहाँ होती है, जब वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है मार्केट में, तब एक बिजनेस एक्टिविटी को कंप्लीट माना जाता है. Those activities combine scarce factors of production in order to produce goods and services that satisfy needs and wants of the population. वो activity, ये business activities क्या करती हैं, जो factors of production उनको इकट्ठा करती है, किस लिए, to produce goods and services जो कि satisfy करें हमारी, मतलब general public की, population की needs और wants को. आइए कुछ और examples देख लेते हैं. Ram is a farmer who owns a land and decided to produce wheat on it. For producing a good quantity and quality of wheat, he must have to purchase. Ram एक farmer है, राम के जिसके पास क्या है, एक लैंड है, और वो क्या डिसाइड करता है कि उसको वीट प्रोड्यूस करनी है, और गुड क्वालिटी वीट के लिए, गुड क्वांटिटी वीट के लिए उसको क्या करना है, उसको सीड्स चाहिए. सीड्स ले लिए उसने, सीड्स क्या हो गया, उसका रॉ मटेरियल हो गया. अब उसको क्या चाहिए, प्लगिंग मशीन या ट्रैक्टर्स भी तो चाहिए, जो अपनी लैंड को वो क्या करेगा, खेत जैसे खेत जोतेगा, उसको कैसे प्लग करेगा अपनी फील्ड को. ट्यूब वेल्स, पाइप्स एंड अदर इरिगेशन फैसिलिटीज फॉर इरिगेशन, बाकी अब सींचेगा भी तो अपने फार्म को, जब तक वो सींचेगा नहीं, उसको प्रॉपर पानी नहीं देगा, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं देगा, तो क्रॉप कैसे ग्रो करेगी. वंस क्रॉप इज प्रोड्यूस ही नीड्स स्टोरेज हाउस, जब क्रॉप प्रोड्यूस हो जाएगी, रेडी हो जाएगी, तो उसको क्या है, उसको स्टोर करने के लिए क्या चाहिए, स्टोरेज हाउस भी चाहिए. नेक्स्ट क्या है, अब स्टोरेज हाउस में तो स्टोर करके नहीं रख देगा, खराब हो जाएगी, उसके लिए उसको क्या चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन भी चाहिए, टू ट्रांसपोर्ट द फिनिश गुड दैट इज क्रॉप टू द मार्केट प्लेस फॉर कंजप्शन. ऑल द एक्टिविटीज फ्रॉम बाइंग सीड्स टू ट्रांसपोर्टिंग द वीड्स टू द मार्केट प्लेस फॉर द कंजप्शन कम्स अंडर बिजनेस एक्टिविटी. हर वो एक्टिविटी, उसका बीज खरीदना, प्लगिंग ट्रैक्टर खरीदना, इरिगेशन फैसिलिटीज का ध्यान रखना, और स्टोरेज हाउस की अवेलेबिलिटी कराना, और अपने प्रोड्यूस्ड गुड को मार्केट प्लेस तक पहुंचाना, ये सारी एक्टिविटी जो है वो किसके अंडर आती है, हमारे बिजनेस एक्टिविटी के अंदर. आई होप आपको बिजनेस एक्टिविटी का टॉपिक क्लियर हो गया होगा कि व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस एक्टिविटी. चलिए हम अपने आज के दूसरे टॉपिक पे चलते हैं, जो कि है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज. कौन कौन से टाइप्स हैं बिजनेस एक्टिविटीज के, अदर देन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, देयर आर न्यूमरस एक्टिविटीज व्हिच कैन बी टर्म्ड एज बिजनेस एक्टिविटीज.
जरूरी नहीं है कि बिजनेस एक्टिविटीज सिर्फ गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करना हो, और भी अदर चीजें हैं, और भी डिफरेंट थिंग्स हैं जिसको हम बिजनेस एक्टिविटीज का नाम दे सकते हैं. बिजनेस एक्टिविटीज आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स. बिजनेस एक्टिविटीज को क्या कर दिया है, और दो भागों में डिवाइड कर दिया है. कौन कौन सी बिजनेस एक्टिविटीज हैं? पहली है हमारी इंडस्ट्री, दूसरी क्या है कॉमर्स. अब हम इन दोनों के बारे में आगे अपनी वीडियो में पढ़ेंगे. इंडस्ट्री. इंडस्ट्री रेफर्स टू ऑल एक्टिविटीज कंसर्न विद द एक्सट्रैक्शन, प्रोसेसिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू जनरेट रेवेन्यू. इंडस्ट्री क्या है? इंडस्ट्री एक ऐसी एक्टिविटी, एक ऐसी बिजनेस एक्टिविटी है जो किससे जो किस किस से मिलकर बनती है, जिसमें हम क्या करते हैं, एक्सट्रैक्शन, मतलब किसी चीज से किसी चीज को एक्सट्रैक्ट करना, निकालना. किसी चीज को जब हमने रॉ मटेरियल निकाल लिया तो उसको हम प्रोसेस भी तो करेंगे, पड़े पड़े तो रॉ मटेरियल फिनिश गुड में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा, और उस प्रोसेस की प्रोडक्शन करना, गुड टू कन्वर्ट इट इनटू फिनिश गुड्स और सर्विसेज, किस लिए, टू जनरेट रेवेन्यू, टू जनरेट प्रॉफिट, उसको हम इंडस्ट्री बोलते हैं. द टर्म इंडस्ट्री इज ऑल्सो यूज्ड टू मीन ग्रुप ऑफ फर्म्स प्रोड्यूसिंग सिमिलर और रिलेटेड गुड्स. वो इंडस्ट्री टर्म इंडस्ट्री किस लिए भी यूज होता है, जब कुछ एक जैसी फर्म साथ में मिलकर बिजनेस करती है, या एक जैसी फर्म एक साथ अपना काम करती है, रिलेटेड गुड्स को सेल और परचेज करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, इंडस्ट्री. जैसे कोल्ड ड्रिंक है, अब कोल्ड ड्रिंक बहुत तरह की होती है, मरिंडा होती है, स्प्राइट होती है, ड्यू होती है, वो सब ब्रेड्स हैं. ब्रेड भी बहुत तरह की होती है, ब्राउन ब्रेड, व्हाइट ब्रेड, तो ये सब क्या आती है, ब्रिवेजरी इंडस्ट्री के अंदर आती है, तो वो भी क्या है, इंडस्ट्री का नाम है. लेकिन वो क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट गुड्स सेल करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ब्रीडिंग ऑफ शीप और फॉर वूल. शीप को पालते हैं लोग, भेड़ पालते हैं किस लिए, ताकि उसको उनसे ऊन मिले, तो वो भी क्या है, एक तरह की इंडस्ट्री है. एनिमल हस्बेंड्री होती है, उसमें भी वो क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स को अपने पास रखते हैं, और जिससे वो ब्रीडिंग करते हैं और वो अपना प्रॉफिट जनरेट करते हैं. मशरूम प्लांटेशन, नॉट नेसेसरी मशरूम प्लांटेशन, एनीथिंग यू कैन टेक हेयर. फॉर एग्जाम्पल, नर्सरी. नर्सरी वाले क्या करते हैं, उनके पास डिफरेंट डिफरेंट क्या होते हैं, प्लांट्स होते हैं, वो उनकी देखभाल भी करते हैं और उनको सेल भी करते हैं और उनसे न्यू ब्रीड्स भी करते हैं, तो वो भी क्या है, एक काइंड ऑफ इंडस्ट्री है. सॉल्ट एक्सट्रैक्शन फ्रॉम सी वाटर. अब सी, हमें नमक कहाँ से मिलता है, सब जानते हैं कि हमें पानी से नमक मिलता है, खारे पानी से. लेकिन उस खारे पानी से नमक कैसे पड़े पड़े मिल जाता है, लेकिन नहीं, उसे हमें क्या करना पड़ता है, वहां से एक्सट्रैक्ट करना है. तो उस एक्सट्रैक्शन के लिए हमें क्या चाहिए, बड़ी बड़ी मशीनरी चाहिए, जो किसका काम होता है, इंडस्ट्री का काम होता है. और क्या चाहिए हमें, और कोल एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, कोल माइंस चाहिए होते हैं. सेकंड हमारा टाइप ऑफ बिजनेस एक्टिविटी थी कॉमर्स. कॉमर्स क्या होती है, कॉमर्स इज द मींस ऑफ मेकिंग द प्रोडक्ट अवेलेबल टू कंज्यूमर्स. इट वर्क्स पैरेलल विद द इंडस्ट्रीज एंड कैन बी सीन एज अ मीडियम बिटवीन एंटरप्राइजेस एंड कंज्यूमर. अब कॉमर्स क्या है, इंडस्ट्री ने क्या किया, गुड्स को एक्सट्रैक्ट किया, उसको प्रोसेस किया रॉ मटेरियल को, और फिनिश गुड में कन्वर्ट कर दिया. अब वो वहां पे बड़ा पड़ा, मार्केट प्लेस में नहीं पहुंचेगा, तो वो एक्टिविटीज, वो बिजनेस एक्टिविटीज जो प्रोडक्शन के बाद स्टार्ट होती है. प्रोडक्शन के बाद मतलब प्रोडक्शन, जब गुड फिनिश गुड प्रोड्यूस हो गए, उसको मार्केट प्लेस तक पहुंचाने में जो एक्टिविटीज हेल्प करते हैं, वो किसके अंडर आती है, वो कॉमर्स के अंडर आती है. ये क्या करती है, एंटरप्राइज, इंडस्ट्री और कंज्यूमर के बीच में एक लिंक क्रिएट करती है. अगर कॉमर्स नहीं है तो इंडस्ट्री का गुड्स कौन ट्रांसपोर्ट करेगा, अगर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं है तो कौन उनको गुड्स को ट्रांसपोर्ट करेगा, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आ जाता है. इसलिए कॉमर्स अपना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टू क्रिएट अ रिलेशनशिप बिटवीन एंटरप्राइजेस एंड इट्स कस्टमर. ऑल एक्टिविटीज दैट आर इन्वॉल्व्ड इन द रिमूवल ऑफ हिंड्रेंस इन द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कम्स अंडर कॉमर्स. हर वो एक्टिविटी जो हेल्प करती है रुकावटों को दूर करने में इन द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन एंटरप्राइजेस एंड द कंज्यूमर्स आर नोन एज कॉमर्स. फॉर एग्जांपल, ट्रांसपोर्टेशन, एडवर्टीजमेंट, स्टोरेज एंड वेयरहाउस फैसिलिटीज, ये सब क्या है, हमारे एग्जांपल्स हैं जो कि कॉमर्स के अंडर आते हैं. आई होप गाइस आपको आज का टॉपिक क्लियर हो गया होगा. अगर आपको स्टिल कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज मेरे को कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर बताएं. इन आर नेक्स्ट video, we will study industry and types of goods manufactured by industries. Thanks for watching. Please like, share and subscribe our channel for more videos.